हाय फ्रेंड्स, कोजी हेल्थ एंड आर्ट में आपका सबका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कुछ घरेलू नुस्खे शेयर करूंगी ताकि हम हमारे ऑक्सीजन लेवल को घर पे बैठ के बढ़ा सके, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा लहर चालू हो गया अभी देखने के लिए मिल रहा है ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में भी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अभी देखने के लिए मिल रहा है, न्यूज़ आ रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहे ऑक्सीजन की कमी के लिए बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल जाके भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और हम घर पे बैठ के अगर अब स्वस्थ है, अगर अब थोड़ा सा माइल्ड सिम्टम भी है, तो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखेंगे, इसलिए कुछ टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट है ये है स्टीम इन्हेलेशन। हमें बाहर घूमने के बाद या बाहर कोई भी सिचुएशन में जाना पड़े तो तुरंत आके घर में स्टीम लेना चाहिए। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो पानी है इसका पानी का ही सादा पानी का स्टीम लेते हैं, पर ये स्टीम, ये जो पानी है इसमें अगर थोड़ा सा भी अजवाइन अगर मिलाएंगे, आयुष मंत्रालय से भी कहा गया था पहले, इस क्योंकि अजवाइन हमारे फेफड़ों को साफ रखने के लिए, अजवाइन में भी कोई भी रिसर्च में भी देखा गया है कि इसमें भी बहुत सारे जो हमारे ब्रीदिंग ट्रबल है इसमें ख़त्म करने के लिए एंटी काफिंग भी एजेंट से इसमें, तो काफ का भी प्रॉब्लम है, गले में कोई तरह की खरह से इन्फेक्शन है, या तो हमारे फेफड़े की जी बलगम बहुत पुराना जमा हुआ है उसे पतला करके निकालने के लिए, हमारे छाती को क्लियर रखने के लिए, साफ रखने के लिए, ये बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है अजवाइन का पानी। तो इसका भाप भी ले सकते हैं, इसका पी भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रोन एवोकेनिंग, ये है सोने का तरीका कि हमारा कुछ भी ब्रीदिंग में ट्रबल हो रहा है तो कैसे सोना चाहिए। देखिए, सीधा होके कभी भी मत सोइए, आप चाहे तो उल्टा लेट सकते हैं, तो दो तकिया सिर के नीचे लगाइए, एक हमारे छाती के नीचे लंग्स को सपोर्ट देने के लिए, अभी कुछ चाहिए तो पैर के नीचे भी एक तकिया लगा के आप मुँह को घुमा के सो सकते हैं। आधे घंटे से दो घंटे तक आपको जैसा आराम महसूस हो आप सो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर एक सेल को, हर एक कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और नेक्स्ट जो है ये है, हम एक करवाहट लेके भी सो सकते हैं, लेफ्ट साइड या तो राइट साइड में भी करवाहट लेके सो सकते हैं। और जो है थोड़ा सा बैठ के, तिरछा बैठ के भी हम रह सकते हैं। थर्ड जो है ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कभी भी हम 10 मिनट के लिए गहरा सांस भरना चाहिए, एकदम डीप ब्रीथ करना चाहिए, ताकि जो लंग्स है ये हमेशा स्वस्थ रहे और ज़्यादातर जो एयर फ्लो हो लंग्स तक जाए। लंग्स हेल्थ के लिए हमको डीप ब्रीथ करना चाहिए। थोड़ा सा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, और खुली हवा में थोड़ा सा सांस लेना चाहिए। जो नंबर फोर है ये है आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट इस सिचुएशन में हमेशा हमारे डाइट में ध्यान देना चाहिए, खास करके आप वेजिटेरियन हो या तो नॉन वेजिटेरियन, कोई भी किसी भी समय आयरन रिच डाइट लेना चाहिए ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाने के लिए। लास्ट जो मैं बताऊंगी ये है अजवाइन और कपूर की पोटली। लास्ट वीडियो में ये मैंने शेयर किया था, आप चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं। कपूर का जो यूजेज है ये आयुर्वेदा में बहुत ही पुराने ज़माने से हो रहा है, इसके साथ अब मिलाएंगे तो अजवाइन ज़्यादा मात्रा में लीजिए अजवाइन, और थोड़ा सा अगर आपको देसी कपूर मिल जाए तो सबसे बेहतर होगा, कि देसी कपूर का जो यूजेज है बहुत पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और ये सूंघने से एकदम नाक खोल जाता है, नाक अगर बंद रहेगा तो कोई भी ब्रीदिंग ट्रबल हो थोड़ा सा इसमें राहत मिलता है बहुत। तो आपको अगर ऐसा लगेगा कि कुछ भी ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा है तो ये तुम अजवाइन और कपूर की पुटली बना के, थोड़ा सा आपके पास अगर नीलगिरी का तेल है तो वो भी डाल सकते, कोई भी एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते। ये दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघते रहना। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या तो हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को सलाह लीजिए, डॉक्टर के सलाह के बिना कुछ भी मत कीजिए। पर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये सब जो होम रेमेडीज़ बताए गए हैं इस वीडियो में, ये आजमा के आप और भी ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो को बॉडी में बढ़ा सकते हैं। ये जो पोटली मैं बताई हूँ इसको भी थोड़ा थोड़ा दिन सूंघते रहना है, ताकि जो आपका अगर कोई भी कंजेशन रहेगा चेस्ट में, अजवाइन का पानी पी के या तो स्टीम लेके भी आप जो पुराना अगर कफ बलगम आपके चेस्ट में है तो भी बाहर निकल सकते हैं, या तो ज़्यादा एयर फ्लो लंग्स तक पहुँचा सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त और फैमिलियों के साथ शेयर कीजिए,
क्योंकि ये भी एक तरह की हेल्प ही है। ज़्यादा अगर ये वीडियो शेयर करेंगे इस सिचुएशन में बहुत हेल्प होगा, बहुत सारे लोग की ये मदद चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।